न जाने क्यों इस झरोके से झांके हैं ये चांद, न जाने क्यों इस झरोके से झांके हैं ये चांद, या तो मुखड़ा छिपा ले या इजहार करा दे। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा से। यहाँ तो प्यार बोल रहा है सर चढ़कर। आइए ले चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। अक्षरा अभिमन्यु का प्यार। रेजिग्नेशन। बीच में आई इस्तीफे की दीवार। अक्षु तुम रिजाइन कैसे कर सकते हो हॉस्पिटल से? ये काम तुम्हें इतना पसंद है, तुम इतनी अच्छी हो अपने काम में, तुम्हारे मन का काम है, तुम रिजाइन कैसे कर सकती हो? इससे तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। मैं समझ में आता है कि फैमिलीज में प्रॉब्लम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिजाइन कर दो। देखो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, कि प्रोफेशनल लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी पर्सनल लाइफ। नहीं समझेंगे तो समझाएंगे मिलके, लेकिन प्लीज मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगा ना। मुझे भी रिजाइन नहीं करना। पापा, वो गाड़ी खराब हो गई। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। ससुर की नाराजगी, दामाद की आशिकी। अरे बड़े पापा सुनिए तो मेरी बात। अरे बड़े पापा देखिए, गुस्सा होना है पीछे बैठ के हो जाइए, लेकिन प्लीज ऐसे धूप में मत चलिए, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको छोड़ देता हूँ ना घर। क्या हुआ है बताओ। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को आरोही की जिद और बड़े पापा के कहने पर बिरला हॉस्पिटल से इस्तीफा देना पड़ा। रेजिग्नेशन। अक्षय तुम रिजाइन कैसे कर सकती हो हॉस्पिटल से? ये जानकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अक्षरा के लिए कर्म ही उसकी पूजा है। तुम रिजाइन कैसे कर सकती हो? इससे तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। यार समझ में आता है कि फैमिलीज में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिजाइन कर दो, कि प्रोफेशनल लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी पर्सनल लाइफ। नहीं समझेंगे तो समझाएंगे मिलके, लेकिन प्लीज मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगा ना। मुझे भी रिजाइन नहीं करना है अभी। लेकिन बेचारी अक्षरा अपने परिवार के आगे मजबूर है। आपसे बहुत प्यार है, मुझे खुशी मिलती है जब मेरे वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, सुकून मिलता है जब कोई दो पल के लिए मेरे वजह से अपने दुख दर्द को भुला देता है। बहुत पसंद है मुझे अपना काम, लेकिन मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलके फाइट करेंगे, डोंट वरी। मुझे घर पे भी सबको खुश रखना पड़ेगा ना। बड़े पापा कायरफ नाराज है, मुझसे बात ही नहीं कर रहे, उनकी नाराजगी मैं और नहीं ढो सकती। मैं जानती हूँ उनकी नाराजगी बेमानी है, लेकिन फिर भी मैं रिजाइन करूंगी, मुझे रिजाइन करना ही होगा। ऐसे लगता है मैं ही बुरी हूँ, मैं किसी को ढंग से खुशी नहीं रख पा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम, इधर आओ बैठो। क्या बोल रही हो तुम बुरी हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? वो भैया मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है, प्लीज। अरे अक्षरा बेटा, अक्षरा भाई, अभिमन्यु को तो ये तक नहीं पता कि उसका अस्पताल में आना कितना मुश्किल रहा, क्योंकि बड़े पापा उसकी नौकरी के आगे दीवार बनकर जो खड़े हो गए। बड़े पापा प्लीज। अंदर। सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। बड़े पापा मुझे आज जाना होगा, वहाँ पर ना एक छोटा बच्चा है जिसकी आज कीमो है, वो बहुत डरता है बड़े पापा, मुझे जाना होगा प्लीज। सुना ये देखिए बड़े पापा, प्लीज
इसके लिए मुझे जाना होगा बड़े पापा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं बिलो हॉस्पिटल में काम करती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे जाना होगा। इसके लिए इसको मेरी जरूरत है, प्लीज प्लीज। भाई जैसे तैसे कर अक्षरा उस बच्चे के लिए अस्पताल जाने की जिद कर पाई। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू सो मच। मनीष की पोती तो पोती, दामाद भी बहुत जिद्दी है। अब देखिए ना, मनीष की कार खराब हो गई कि तभी वहाँ पहुँच गया अभिमन्यु अपनी बाइक लेकर और बड़े पापा की मदद करनी चाहिए। बड़े पापा सुनिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन मनीष उसे अनसुना कर आगे आगे चल दिए तो दामाद जी उनके पीछे पीछे। भाई आज भले ही ससुर जी मान ना रहे हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अभिमन्यु मनीष जी का दिल जीत ही लेगा। अरे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, इट्स ओके। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अंजान से भी तो ले सकता।